दोस्तों, कभी कभी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हमें ऐसी लेकर आते हैं जिसको देखकर आप लोगों को जीवन भर वो टिप याद रह जाएगी। ऐसी ही अमेजिंग टिप से भरी हुई ये वीडियो आज आप सभी के लिए शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की तरफ और देखते हैं क्या है इसमें। हमारे पास जो इस तरह के फाइबर के, प्लास्टिक के या मेलामाइन वाले जो बर्तन होते हैं, अक्सर आपने देखा है उस पर हल्दी वगैरह या फिर ग्रेवी के दाग बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। इनके पीलेपन को हटाने के लिए आपको लेना होगा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को रैप कर लीजिए और अब इस न्यूज़पेपर के ऊपर हम लेंगे विनेगर, यानी कि जो व्हाइट वाला विनेगर होता है जिसको हम चाउमीन में डालकर खाते हैं, वो थोड़ा सा लेंगे। पेपर को हल्का सा सोक कर देंगे, लगभग 2 चम्मच मैंने लिया है। और विनेगर के बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे हमारा जो न्यूज़पेपर है वो थोड़ा सा और गीला हो जाए। गीले होने के बाद क्या होता है, न्यूज़पेपर का जो इंक होता है वो करता है रिएक्शन। तो विनेगर और इंक मिलकर देते हैं बढ़िया सा रिएक्शन। प्लेट को हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट के बाद आप इस न्यूज़पेपर से ही प्लेट को अच्छे से रब कर दीजिए। इसमें जो विनेगर है, जो इंक है, वो मिलकर देते हैं बढ़िया सा क्लीनिंग एजेंट का काम। उसके बाद से इस प्लेट को वॉश कर लीजिए और आप देखिए प्लेट की चमक बिल्कुल नए जैसी हो गई है ना दोस्तों। बढ़िया से टिप ट्राई करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट टिप में मेरे पास है नींबू के छिलके। नींबू का एक छिलका मैंने लिया है, ज़्यादा नहीं लेना है, कोई सा भी, 1 से 2 दिन पुराना भी चलेगा। और क्या होता है, जब हमारी एड़ियाँ फटती हैं, ज़रूरी नहीं है कि एड़ियाँ सर्दियों में ही फटें, कई बार एड़ियाँ इस गर्मी के मौसम में भी बहुत सारे लोगों की फटती हैं, क्योंकि हम अक्सर नंगे पांव होते हैं, पैरों में गंदगी जमती है जिससे हमारे पैर फटते हैं। तो ऐसे टाइम पर आपको लेना है नींबू का छिलका और नींबू के छिलके से पैरों को अच्छे से रब करना है, यानी कि एड़ियों को अच्छे से रब करना है। नींबू में बहुत ही बढ़िया से एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं। नींबू हमारी स्किन को थोड़ा स्मूथनेस देता है, बहुत ही बढ़िया से इनको शाइन प्रदान करता है। तो नींबू से क्या होता है, जो एड़ियाँ गंदी हैं वो भी साफ़ होती हैं। लेकिन नींबू का लगाने के बाद, नींबू को इस तरह से अच्छे से रब करने के बाद हमें लेना होगा सॉक्स। सॉक्स आप पतला भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक बार मोटा सॉक्स लिया है, और पैरों में आपको सॉक्स पहना देना है। अब इसको आप 1 से 2 घंटे ऐसे ही छोड़िए या फिर रात भर पहन के सो जाइए। जब आप 2 घंटे बाद अपनी सॉक्स उतारेंगे तो आपकी जो फटी हुई एड़ियाँ हैं, जो कि एकदम कड़क और ड्राई हो रखी थी, वो बिल्कुल ही सॉफ्ट पड़ जाती हैं। ना ही अलग से कोई क्रीम, ना ही कोई मॉइस्चराइजर, ना ही कोई वैक्स वगैरह लगाने की ज़रूरत। दिन में 1 से 2 बार अगर आप इस टिप को ट्राई करते हैं तो आपकी जो फटी हुई एड़ियाँ हैं, स्पेशली गर्मी वाली, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ हो जाती हैं। आइए देखते हैं एक और टिप। नेक्स्ट टिप है एल्यूमिनियम के बर्तनों को लेकर। कभी कभी क्या होता है, एल्यूमिनियम के बर्तन थोड़े पीले दिखते हैं, कितना भी साफ करो लेकिन इनमें एक पीलापन सो लगा ही रहता है। तो एल्यूमिनियम के बर्तनों को साफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बर्तन में डालेंगे अपना डिश वॉश जेल या फिर कोई डिटर्जेंट जिससे आप बर्तनों को वॉश करते हैं। उसके बाद से आपको इनको रगड़ने से पहले एक काम और करना है। एक चीज़ होती है दोस्तों, वो होती है कोलगेट। कोलगेट आप सभी को पता है घर में इजीली मिल जाती है। तो थोड़ा सा 2 या 3 दिन में हम जितना कोलगेट करते हैं उतना थोड़ा सा एक बूंद आपको कोलगेट यहाँ पर ले लेना है। कोलगेट के साथ, डिटर्जेंट के साथ आपको स्क्रबर से अपनी कढ़ाई को अच्छे से रब करना है। पीलापन तो ऐसे छूटेगा जैसे कभी था ही नहीं। अच्छे से रब कर लीजिए, बर्तन को वॉश कर लीजिए, फिर आप देखिए कि आपके जो एल्यूमिनियम के बर्तन हैं वो कितना बेहतरीन तरीके से साफ़ होते हैं। कोलगेट जो होता है किसी भी जगह से चिकनाई को, पीलेपन को हटाने का काम करता है, और इससे हमारे कितने भी पुराने जले हुए बर्तन हो, पीलेपन वाले बर्तन हैं, साफ़ हो जाते हैं। नेक्स्ट टिप में, जब भी आप ब्रेसलेट पहनने की कोशिश करते हैं तब आपने देखा होगा कि बिना किसी हेल्प के ब्रेसलेट पहनना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह के जो ब्रेसलेट होते हैं वो देखने में बड़े ही सुंदर लगते हैं, लेकिन पहनना उतना ही मुश्किल काम होता है। इसके लिए हाथों में एक रबड़ बैंड पहन लेंगे और उसके बाद से ब्रेसलेट को, मतलब ब्रेसलेट का एक पार्ट जो है वो रबड़ बैंड में हल्का सा इस तरीके से डाल दीजिए। अब इसके बाद से ब्रेसलेट का जो हुक है उसको जैसे ही आप बंद करने की कोशिश करेंगे वो फटाफट से बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर रबड़ बैंड की मदद से ब्रेसलेट को अच्छे से टाई करके रखा है। बस जब ब्रेसलेट पहन लीजिए तो रबड़ बैंड को उतार दीजिए, हो गया हमारा काम सबसे बढ़िया तरीके से, आसान। नेक्स्ट टिप है पैरों को लेकर। जब भी आपके पैरों में जलन होती है, गर्मी के दिनों में ये समस्या आम बात होती है, लोगों की एड़ियाँ इतनी ज़्यादा जलती हैं, कई बार आपने देखा है लोग पैरों में मेहंदी लगाते हैं, बर्फ़ रगड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई करते हैं, बहुत सी रेमेडीज़ ट्राई करते हैं, इवन वो डॉक्टर के पास तक जाते हैं। इससे क्या होता है, फालतू समय और पैसे की वेस्टेज। आज के बाद आप ये काम कभी नहीं करेंगे अगर आप इस टिप को एक बार ट्राई करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेना है एक सैनिटरी पैड।
पैड का जो स्टिकर है वो निकाल लीजिए, इस पर डाल दीजिए कोलगेट। कोलगेट थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे और उसके बाद से इस कोलगेट को आपको हाथों से पैड पर अच्छे से फैला लेना है। ध्यान रखें कि पैड पर बढ़िया तरीके से फैला लेंगे, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे कोलगेट लगाने में, क्योंकि ये जो कोलगेट है ये हमारी बॉडी के किसी भी जलते हुए हिस्से पर लगाने से बहुत अच्छी सी उस जगह को राहत देता है, रिलीफ देता है, पैरों की ठंडक को आसान बनाता है। पैरों में अगर थोड़ा सा फट भी रहा है, जल भी रहा है, किसी भी तरह की जलन है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो ये वाली टिप को जरूर ट्राई करिएगा। अब इसके बाद से आपको क्या करना है, इस कोलगेट लगे हुए पैड को अपने रखना है पैरों के नीचे। पैरों के नीचे रखने के बाद इसको सेट करिए, उसके बाद से ले लीजिए कोई सा भी सॉक्स। सॉक्स आप गर्मी है तो एकदम पतला वाला भी ले सकते हैं, पर सॉक्स जरूर लेना है, नहीं तो ये कोलगेट जो है आपके पैरों पर चिपकेगा नहीं। सॉक्स लेकर अपने पैरों पर पहनाइए और उसके बाद से 1 से 2 घंटे के लिए आप अपने पाँव को ऐसे ही छोड़ दीजिए। वैसे तो गर्मी है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये काम आपको करना ही पड़ेगा। इसके लिए बस 1 घंटे तक अपने पैरों को छोड़िए, उसके बाद से जब आपको लगे कि पैरों की जलन शांत हो गई है तो बस पैड को हटा दीजिए। आप चाहें तो पैड को आप रीयूज भी कर सकते हैं सेम तरीके से कोलगेट लगाकर, और नेक्स्ट टाइम रीयूज कर सकते हैं। हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप पैड को फेंक ही दें, लेकिन हाँ कोलगेट आप बार बार लगाइए, इससे आपके पैरों को 2 से 3 दिन में ही राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। एक बार इस टिप को ट्राई करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट टिप है, जब हमारे पास कोई सी भी ऐसी बुक होती है, कोई नोटबुक होती है, कोई रेसिपी बुक होती है, जब हमें इसे लेकर इस तरह से खड़ा करके रखना होता है, कभी कभी लैपटॉप के बगल में हम इसको लेकर काम करते हैं, किसी बुक को खड़ा करना है, बुक को खड़ा करने के लिए बहुत अच्छा सा आइडिया आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने ली है 2 क्लिप, ये जो कपड़े वाले क्लिप होती है उसी का इस्तेमाल करना है। कपड़े वाले क्लिप को लेकर जो पेज है उसके बीचों बीच में लगा दीजिए। तो इस तरह से 2 क्लिप आपको लगाना है, जहाँ पर भी पेज खोलना हो खोल लीजिए, उसके बाद से इस क्लिप को लगाकर किसी हल्के से चीज़ के सहारे, आप चाहें तो किसी दीवार के सहारे, दीवार नहीं है तो आप ऐसे भी, अगर आपकी बुक ज़्यादा भारी नहीं है तो ऐसे भी आप खड़ी कर सकती हैं। अगर आपने सिर्फ 1-2 पन्ने ही लिए हैं पढ़ने के लिए तो उनको तो आप बिना दीवार के सहारे के खड़ा कर सकती हैं। बस इस तरह से हल्के से क्लिप्स को खड़ा कर दीजिए, आपकी जो बुक है वो काफ़ी देर तक यूँ ही खड़ी रहेगी और आपका काम भी आसान होगा, बैठ कर पढ़ना आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारी आज की नेक्स्ट टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है, कभी कभी कुछ पर्स बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। अब पर्स को तो ऊपर से वॉश नहीं कर सकते, तो इनको क्या होता है, चाहे लेदर के पर्स हों या फिर किसी भी मटेरियल के पर्स हों, अगर हम इनको थोड़ा सा क्लीन कर लें तो ये बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। इसके लिए कॉटन ले लीजिए, कॉटन में आपको लेना है थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप कोई दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बस इस रुई से आपको पूरे पर्स पे अच्छे से रब करना है। पर्स के जितना भी पार्ट आपको ऊपर दिख रहा है, खुला हुआ पार्ट है, उस पूरे पार्ट पर अच्छे से इस नारियल तेल वाले कॉटन को रब करिए। एक तो हमारे पर्स की सफाई होती है, लेदर का पर्स है तो उसको नई लाइफ भी मिल जाती है, क्योंकि जब हम लेदर पर कोकोनट ऑयल का यूज़ करते हैं तो ये एक तरह से लेदर के ऊपर पॉलिशिंग का काम करता है। ये पर्स लेदर की तो नहीं है, लेकिन हाँ इस पर्स से गंदगी जरूर बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ हो रही है। लेदर का पर्स है तो आपको दोनों फायदे होंगे, गंदगी भी साफ़ होगी, साथ ही पर्स पे एक बढ़िया से पॉलिश की कोटिंग भी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मैंने पर्स को अच्छी तरीके से साफ़ किया है, मैं आपको अभी वो कॉटन भी दिखा रही हूँ। ये देखिए कॉटन कितनी ज़्यादा गंदी हो गई, यानी कि जितनी गंदगी है वो सभी इस कॉटन पे आ जाएगी और हमारा पर्स बिल्कुल नया सा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।